कुमार चतुर्वेदी अमेरिका में डॉक्टर बिना डॉक्टर लिख सकते हैं, जो डॉक्टरेट होते हैं अगर उनको डॉक्टर कहे तो डॉक्टर कुमार चतुर्वेदी। महाराज वो पुरानी वो है, हम 13 साल जमींदोज रहे, सर सूर्य बहन के रिंग में जिसको पोलाइटर कहते हैं। तो महाराज शायरी हमारी शुरू हो गई। उसके पहले आप लोगों को पता होगा इंदिरा गांधी का और इंदिरा गांधी की पॉलिसीज का और उनसे लड़ने वाले जयप्रकाश जेपी आंदोलन के समय हमारी शायरी में एक व्याम होती है। और हमने लिखा कि अब न खेलेगी तबस्सुम रंज इतने हो गए, अब न खेलेगी तबस्सुम रंज इतने हो गए, ला रफू है यह कबा पैबंद, ला रफू है यह कबा पैबंद इतने हो गए। उस समय जब जनता पार्टी आई थी, जो पुराने चावल होके हमारे लिए उनको शायद पता हो, तो उससे लोग बेजार हो गए कुछ ही दिन में। तो हमने ये कहा, कह गए थे फूल से दामन भरेंगे वे मगर, कह गए थे फूल से दामन भरेंगे वे मगर, मेरे दामन में कहां से संग इतने हो गए, मेरे दामन में कहां से संग इतने हो गए, ला रफू है यह कबा पैबंद इतने हो गए। लेकिन देखो पासी से 30-35 साल जेपी आंदोलन, जो हमारी ताजी लड़ाई है वो अब न इंदिरा गांधी है न ऐसी कोई शख्सियत है, दुनिया में सियासत की लड़ाई है वो हम लड़ते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी एक लड़ाई है और वो है पर्यावरण। उसका उर्दू वर्ड पता नहीं क्या है, माहौल हम कहेंगे। माहौल की जिस डाल पे हम बैठते हैं उसको काटते हैं, उसी को खत्म कर रहे हैं, अपना घर जला रहे हैं। इससे अच्छा शायरी का कोई बहर नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने मीर को पढ़ा होगा 250-300 साल पहले लखनऊ में, मीर ने क्या कहा, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक के इश्कार गए शीशा दरी। तो आज ये हम लोग का सांस भी आहिस्ता लो, हम तो सिंपल कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी यूज करो, इलेक्ट्रिक कार चलाओ, हम तो यही कह रहे हैं, उनका सांस भी आहिस्ता। उस तरह की थिंकिंग थी। तो आज हम उसी बाहर को कायम रखते हुए एक गजल सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले जैसा इन्होंने कहा कि फर्ज़े कंदील, हम सबको फर्ज़े कंदील सुनाना चाहते हैं कि शायरी का क्या मकसद है। ऐसे तो मतलब है कि कुछ भी कहिए, दुर्भोखम में खोए रहिए, नहीं है जानता ताकत सुखन की, नहीं है जानता ताकत सुखन की, तभी तो दुर्भ में खोया हुआ है। सबको शायरी की ताकत और उसका जो टारगेट है, जहाँ जाना चाहिए शायरी, जहाँ हिट करना चाहिए, उस पर हमने कुछ शेर लिखा है। और वो फर्ज़े कंदील मोमबत्ती, कैंडिल उसको अंग्रेजी में कहते हैं, मोमबत्ती हिंदी में कहते हैं। फर्ज़े कंदील है ज़ुल्मात से लड़ने के लिए, फर्ज़े कंदील है ज़ुल्मात से लड़ने के लिए, शेर हथियार है हालात बदलने के लिए, शेर हथियार है हालात बदलने के लिए, दिल का शीशा है, दिल का शीशा है कोई आक्ष उभरने के लिए, दिल का शीशा है कोई आक्ष उभरने के लिए, एक तूफान है
खामोश मचलने के लिए एक तूफान है, खामोश मचलने के लिए जब भी चलती है हवा, जब भी चलती है हवा, जब भी सुबह होती है, जब भी चलती है हवा, जब भी सुबह होती है, कोई आगाज है, कोई आगाज है अंजाम में ढलने के लिए, कोई आगाज है अंजाम में ढलने के लिए, हो गई है शबे तारीख मगर रंजन कर, हो गई है शबे तारीख मगर रंजन कर, डूबता शम्स है, डूबता शम्स है हर रोज निकलने के लिए, डूबता शम्स है हर रोज निकलने के लिए। हमारे शेरों की कितनी जिम्मेदारी है, ये सुनिएगा एक शेर में, एक नए दौरे निजामत की बिना है इस पर न्यू, एक नए दौरे निजामत की बिना है इस पे, ए है मोती, ए है मोती किसी नौताज में मरने के लिए, ए है मोती किसी नौताज में जड़ने के लिए, शायर शेर हथियार है हालात बदलने के लिए। एक अवसर सुनिएगा, बुलबुलो गुल से बहुत दूर किसी दरिया में, बुलबुलो गुल से बहुत दूर किसी दरिया में, एक कश्ती सी है, एक कश्ती सी है इस उस पार उतरने के लिए, एक कश्ती सी है उस पार उतरने के लिए। और मतलब है जुल्फो हम के लिए अशार नहीं हो, अशार नहीं होते हैं, शायरी है मेरी, शायरी है मेरी ये दौर बदलने के लिए, शायरी है मेरी ये दौर बदलने के लिए, शेर हथियार हालात बदलने के लिए। इसके बाद हम असल में अपने असली बाहर में विषय पे आते हैं, और वो है पर्याप्त कितना नुकसान हम लोग कर रहे हैं, शायद हम लोग का लग रहा है समझने लगे हैं, लेकिन प्रकृति नेचर की ताकत का अंदाजा
शायद हम लोगों को नहीं है, मैं बहुत एजिस्ट हूँ, शायद हमें थोड़ी बहुत आइडिया है, लेकिन जो जो सिग्नल अब तक मिले हैं उससे लगता है कि उसका एक चाटा हमें ह्यूमिडिटी को नहीं पूरे 22 में, ये एकदम रियल डर है। हम लोग कई करोड़ साल से रहे हैं इस धरती पर, लेकिन अगले 100 साल रहेंगे इसकी कोई गारंटी कोई नहीं है। ट्रंप से लेके साइंटिस्ट है कोई गारंटी नहीं देगा कि 200 साल बाद क्या होगा, 300 साल बाद क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सारा किसी बार में हमने एक और गलत किया, ये गलतें लिखी जा रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे जैसे समय मिलता है छोड़ देते हैं, और हम लोगों का ये जो समस्या है जिस पर हम गजल कर रहे हैं, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, साइक्लोन जिससे आ रहे हैं वगैरह वगैरह, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो उसके लिए अल्टीमेटली हम लोगों की जो पिपाशा है, लालच है, जो ग्रीड है, वो इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, और उसी पे हमने कुछ कह दिया। हम कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन हमारी भूख ने पर्वत को कर दिया नंगा, हमारी प्यास समंदर को पी गई हो, हमारी भूख ने पर्वत को कर दिया नंगा, हमारी प्यास समंदर को पी गई होगी। जहां पड़े हो कदम साफ ग्रस्त, हम कभी कभी बहुत हिंदी और कभी संस्कृत तक जाते हैं, दो ट्रेनिंग है, उर्दू कम आती है, लेकिन जहां सही शब्द मिलते हैं प्रयोग करते हैं, साफ ग्रस्त ऐसा ही शब्द है। जहां पड़े हो कदम साफ ग्रस्त आदम के, हवा भी भूल के उस संतना बही होगी। जहां पड़े हो कदम साप ग्रस्त आदम के, हवा भी भूल के उस संतना बही होगी। कहते हैं लोग कि हम लोग जंगल काटते हैं, असल में हम लोग जंगल उगाते भी हैं, लेकिन कंक्रीट के पत्थरों के वो जंगल शहरों में उगाते हैं। उगा दिया है वो जंगल शहर में पत्थर का, उगा दिया है वो जंगल शहर में पत्थर का, कि जिसको देख के दोजख दहल गई हो। उगा दिया है वो जंगल शहर में पत्थर का, कि जिसको देख के दोजख दहल गई होगी। कोई पेड़ न रहे, कोई जानवर न रहे, हम लोगों के बिना कोई न रहे, फिर हम लोग यही खाते हैं। कोई सदर न रहे, कोई जानवर न रहे, हमारे दिल में ये ख्वाहिश छुपी रही होगी, हमारे दिल में ये ख्वाहिश छुपी रही होगी। कथनी करने में अंतर कितना, स्टेज में सुनिएगा, ये मक्ता भी है, बहुत दयालु है चेहरा, मगर हकीकत में बहुत दयालु है चेहरा, मगर हकीकत में हमारे कृत्य से धरती सहम गई होगी। बहुत दयालु है चेहरा, मगर हकीकत में हमारे कृत्य से धरती सहम गई होगी। हमारी भूख ने पर्वत को कर दिया नंगा, हमारी प्यास समंदर। ये थे जनाब डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, और इनका कलाम दोस्ताना था, आशकाना नहीं था, और लेकिन बहुत बहुत ही गहराई और बहुत जामे कलाम था।